अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है जी 5.1। अ टाइनी लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। इफ द बीम इज टू हैव अ डायमीटर 2.55 मीटर एट द मून, हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी द बीम इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून 3.8 × 10⁸ मीटर। मैं बेटा जस्ट मैं सोलूशन लिख रहा हूँ 5.1 का। अब हमें देखें कि हमें जो डाटा गिवन है वो डाटा क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है, हमें डाटा क्या गिवन है। डिस्टेंस डायमीटर ऑफ बीम, जिसे हम आर्क लेंथ कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें गिवन है डायमीटर ऑफ बीम, जिसे आर्क लेंथ भी कहते हैं। ऐसे इसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यह है 2.50 मीटर, एक हमें ये चीज़ गिवन है। सेकंड हमें गिवन है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, इसे हम आर कहते हैं, ठीक है ना। 3.8 × 10⁸ मीटर, 3.8 × 10⁸ मीटर, ठीक है ना। तो डायमीटर गिवन है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ गिवन है, और एक डाइवर्जेंस एंगल गिवन है। एक डाइवर्जेंस एंगल गिवन है थीटा, ठीक है। ये चीज हमने क्या करनी है, टू फाइंड, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि ये डाटा था और ये हमारे पास टू फाइंड, ठीक है। अब हम आते हैं जी कैलकुलेशंस की तरफ। यू नो इसमें जो हम फार्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां से थीटा किसके इक्वल होगा, एस ओवर आर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब देखिए जी एस कितना है, अगर हम देखें थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, तो थीटा इज इक्वल टू एस कितना है, 2.5, और आर कितना है, 3.8 × 10⁸। तो बेटा यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 6.6 × 10⁻⁹ रेडियन, 6.6 × 10⁻⁹ रेडियन, ठीक है। तो डाइवर्जेंस एंगल कितना हो गया थीटा, 6.6 × 10⁻⁹ रेडियन, ठीक है। तो ये हमें जी न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.1। तो न्यूमेरिकल है जी 5.2, इसकी ज़रा स्टेटमेंट देखते हैं। अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि अगर वो रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो। देखें अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो जिस तरह उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन अगर एक बॉडी ने रोटेट करना है लेकिन अभी रोटेट कर नहीं रही, रोटेट करने से पहले उसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिसका सिंबल होता है ओमेगा आई, वो क्या है हमारे पास, जीरो, ठीक है। तो पहले मैं न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, जो डाटा हमारे पास है हम उस डाटा को क्या करते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई क्या है, जीरो, ठीक है। फिर बॉडी रोटेट करती है, तो जब बॉडी रोटेट करती है तो उसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। उसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। देखिए नहीं, 45 एक रेवोल्यूशन में होते हैं 2π रेडियन और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो ये बन गया फिर 2π रेडियन पर सेकेंड। ये पॉइंट ज़रा दोबारा समझ लें कि जब एक बॉडी रोटेट करती है तो एक रेवोल्यूशन में, जिस तरह देखें ये होती है एक रेवोल्यूशन, एक यहाँ से स्टार्ट की तो एक रेवोल्यूशन पूरी, तो एक रेवोल्यूशन में होते हैं 2π रेडियन, ठीक है, पर मिनट। यानी कि 45 रेवोल्यूशन पर मिनट को हमने ये रेवोल्यूशन पर मिनट है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकेंड में, तो हम 2π से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2π डिवाइड बाय 60। तो जब हम 45 2 × 45 90 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास आ रहेगा जी 1.5 पाए, साथ ये पाए भी आएगा रेडियन पर सेकेंड, और ये होने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है जी हमारे पास 1.60 सेकेंड, टाइम हमारे पास 1.60 सेकेंड। टू फाइंड हमने क्या करना है, अल्फा,
ठीक है। अल्फा मीन एंगुलर एक्सेलरेशन, एक हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो अल्फा का जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, आपको पता है कि अल्फा यानी कि टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जिसका फार्मूला होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। टी कह लें आप या इसको डेल्टा टी कह लें, एक ही बात है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। अब ओमेगा एफ है हमारे पास, हमने क्या निकाला 1.5 पाई माइनस ओमेगा ई हमारे पास क्या है 0 ओवर टी, टाइम है हमारे पास 1.6। तो जब हम ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी की वैल्यूज पुट कर दी 1.5 पाई माइनस 0 ओवर टी, कितना हमारे पास 1.6, तो हमारे पास पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से और डिवाइड कर देंगे 1.6 से, तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहेगा 2.9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज 2.9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर। तो नेक्स्ट हमारी हमारे पास है 5.3, इसका हम डाटा लिखते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 5.3 के। एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल होता है आई, 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर, ये एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और वो रोटेट कर रही है एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से 100 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ओमेगा कितना है 100 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर, और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 100 रेडियन पर सेकेंड। टू फाइंड हमने क्या करना है जी, दो चीज़ें बेटा हमने फाइंड करनी है, एक हमने फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम एल, और एक हमने फाइंड करना है टॉर्क, ये टॉर्क का सिंबल है, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन देखें, एल का फार्मूला होता है आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंगुलर वेलोसिटी से, तो हमारे पास आ जाता है एंगुलर मोमेंटम, ये एल एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है, ये हमने फाइंड करना है, और टॉर्क हमने फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट करें 0.80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास 80, ठीक है जी। और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है जोल इंटू सेकेंड, 80 जोल इंटू सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है एंगुलर मोमेंटम 80 जोल इंटू सेकेंड। रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर, एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकेंड। तो टू फाइंड हमने करना है जी एल, और एल होता है एंगुलर मोमेंटम, और ये होता है टॉर्क, टाउ, ये टॉर्क का सिंबल है, हमने टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई आपके पास है 0.8, ओमेगा 100, तो मल्टीप्लाई करें जोल इंटू सेकेंड। अब दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है टॉर्क, टॉर्क का फार्मूला होता है आई अल्फा। बट स्टूडेंट्स लिसन, के बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है और जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है वो जीरो है, ठीक है। अल्फा क्यों जीरो है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिस तरह अगर एक बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो उसमें कोई लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, इसी तरह जब एक बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा वो क्या होगा जीरो, ठीक है। तो जब मैं टॉर्क हमने कैलकुलेट करना है जी, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जब जीरो पुट करेंगे तो टॉर्क क्या आएगा जीरो, तो इसका मतलब है कि टॉर्क क्या होगा जीरो। तो जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जिस तरह जब लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसमें लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होता है, जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अब बेटा जी आपका जो कल का टेस्ट है वो यूनिट 5 हमने स्टार्ट से, ठीक है, जहाँ तक जिस टॉपिक पर पढ़ा हुआ था वेटलेसनेस इन एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम, और ये तीन न्यूमेरिकल ये आपका कल इसका अब नेक्स्ट आपका कल इसका टेस्ट होगा, ठीक है। तो इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस दोबारा सुन ले, यूनिट 5 हमने जहाँ तक क्लास में पढ़ा था वेटलेसनेस एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम, और ये
जो टॉपिक है हमारे पास न्यूमेरिकल 5.1, 5.2, 5.3, इनका अब आपका टेस्ट होगा। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।